दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। सभी स्किलों में ये स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे किंग ऑफ स्किल्स भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सुबह उठने से रात को सोने तक हम कई सारे लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उन्हीं बातचीतों से हमारी इमेज बनती है, हमारी पर्सनालिटी बनती है और उसी के मुताबिक हमारी सक्सेस तय होती है। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अनुमान जरूर बांधता है कि इंसान कैसा है। तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुने, हम उसमें अटेंशन रखें और वो जो कहना चाहता है उस बात को पूरी तरह से समझे। अगर आप सामने वाले की बात पर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो भी आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि जब भी कोई आपसे किसी भी पॉइंट पर बात कर रहा हो तो आप बड़े ध्यान से अच्छी तरह से सुने और उसकी बात को समझने की कोशिश करें। सामने वाला जब भी हमसे कोई भी बात करता है तो हमें पहले तो ये सोचना है कि वो ये बात हमें क्यों कह रहा है, उसका एम क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हम उसकी भावनाओं के साथ जुड़ जाएंगे तो उसे हमारे साथ बातचीत करनी अच्छी लगेगी। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सर झुकाकर या तो इशारों में हाँ हाँ कह के उसकी बात को सुनते रहेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको मेरे बात में इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें सामने वाले की बात को समझने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुँचना होगा कि आखिर वो हमें क्या समझाना चाहता है। कभी भी सामने वाले व्यक्ति की बातों पर आर्गुमेंट न करें। आर्गुमेंट करने से आपकी कंजर्वेशन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप उसके साथ एग्री हो जाए और उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, जिससे क्या होगा कि वो आर्गुमेंट में से डिस्कशन की ओर आपका कन्वर्सेशन चला जाएगा और आपकी बातचीत अच्छे चलेगी। लेकिन आप जैसे ही सामने वाले ने कोई बात कही और आप बीच में ही उसकी बात काट कर आर्गुमेंट करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी या तो उलझ जाएगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो जरूरी है कि कभी भी आप बातचीत के दरमियान आर्गुमेंट न करें, किसी की बातों को बीच में ही तोड़ न दे, उसे पूरा सुने। जब भी कोई बात कर रहा हो तो आप उसकी बात पूरी सुने। बीच में ही आप रिप्लाई दे देते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा क्लेवर या तो एडवांस दिखना चाहता है, इसलिए मेरी पूरी बात नहीं सुनता। सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो आपका जो भी रिप्लाई है सामने वाले की पूरी बात खत्म हो जाए उसके बाद ही दीजिए। बातचीत के दरमियान आप हल्की स्माइल रखें और स्माइल के साथ उनकी बात सुनते जाइए और अपने भी जो भी ओपिनियन है वो बताते जाइए। साथ ही साथ सामने वाले को क्वेश्चन पूछते जाइए। क्वेश्चन कम्युनिकेशंस का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनको मेरी बातों पर ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और वो सफाई में उसके आंसर देते जाएंगे और आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाएगा। बेफिजूल के फालतू क्वेश्चन ना पूछे बल्कि आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़े ऐसे दिलचस्प क्वेश्चन जरूर पूछे। बातचीत के दरमियान ये अवश्य ध्यान रखें कि आप ही सही हो ऐसा बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश न करें। सामने वाले की बात को भी उतना ही अहमियत दे जितना कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं। जब भी आप सामने वाले को इग्नोर करते हैं या तो उसकी बातों को हल्का समझकर उसे अनसुनी करते हैं तो सामने वाले को आप पर आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रहती और वो कन्वर्सेशन खत्म करना उचित समझेगा।
कभी कभार लोग ऐसा भी करते हैं अपने कन्वर्सेशन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए वो आर्टिफिशियल बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही न करें। आप सभ्य रहे, पोलाइट रहे, ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप नेचुरल बिहेवियर में रहे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी बात न हो कि जिससे सामने वाला को ऐसा लगे कि ये मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा है। आपको उसके साथ बातचीत करते हुए अपनापन महसूस करवाना है, उसकी बातों के साथ आपको सिंपैथी रखनी है और उसकी बातों को पूरी तरह से समझने की प्रयत्न करना है। आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आप जो कह रहे हो वो एकदम ही ट्रू लगे, सही लगे। आप ही ढीले ढाले और ऐसे हाव भाव के साथ बोलेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये जो बात कह रहा है उस पर उसका ही पूरा विश्वास नहीं है, तो वो मुझे क्यों बता रहा है। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे होते हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम करती है। आप उसकी नजरों में आंखों से आंखें डालकर हल्की स्माइल से बात कीजिए। आपके हाथों को थोड़ा मूवमेंट दीजिए और आप बीच बीच में उसे अपनी जो बात है उसके लिए जोर भी दीजिए। और ये सब आप अपने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप जब भी अपनी कोई भी बात किसी के सामने रखते हो तो आपका एक उस बात के मुताबिक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज आए। जब भी आप बातचीत करें तो सामने वाले के साथ सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी रखें। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप उसके दुख में शामिल हुए, और एम्पैथी में ऐसा होता है कि आप उसके दुख को महसूस कर रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका दोस्त आया और आपसे कहने लगा कि मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो गया, और आप उसे कहेंगे ओह बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो ये सिंपैथी है। लेकिन आप यही बात उसके साथ बैठकर चर्चा करें कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कहां गलती हुई और आखिर ये गलती को अब सुधारने के लिए हम क्या प्रयत्न करेंगे, ये है एम्पैथी। तो सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी, तभी आपको सामने वाले को समझने का सही मौका मिलेगा और सामने वाला भी आपको अपना समझेगा और आपकी कन्वर्सेशन सही रहेगी, आपकी रिलेशनशिप सही रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ही काम आएंगे। मैं इसको रिपीट करना जरूर चाहूंगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करें, आर्गुमेंट ना करें, डिस्कस करें, स्माइल और बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बात को रखें। अपनी बात करते वक्त आप उतावले बिल्कुल ना हो। आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसे समझने की कोशिश करें। अब जो भी बात सामने वाला कर रहा है उसे समझें और उसकी बात को बीच में बिल्कुल ही न काटे। जब भी आप सामने वाले की बात को बीच में काट के अपना ओपिनियन देंगे तो सामने वाले को आपसे बातचीत करने में बिल्कुल ही रुचि नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप बातचीत में क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कुछ अपने पुराने एग्जांपल या किस्से भी सुना सकते हैं, जिससे आपका कन्वर्सेशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको सामने वाले के साथ है वो सिंपैथी और एम्पैथी रखनी है, जिससे वो आपके साथ जुड़ा रहे। तो ये कुछ ऐसे दिलचस्प टिप्स थी जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर बना देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।